हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आप देख रहे हैं गेम्स एच डी, और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम खेलने वाले कौन है बिकम अ लेजेंड मोड का एपिसोड। तो ये एपिसोड की सबसे खास बात क्या, वो आपको यानी कि पता चल ही जाएगी, यानी कि बहुत सारे लोगों को पता है लेकिन फिर भी पता चल ही जाएगी भाई। तो इस वीडियो को फटाफट धमाकेदार लाइक कर दे, इस वीडियो का लाइक है मैं सिर्फ 120 लाइक, और इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें, और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो फिलहाल तुम नेक्स्ट मैच की तरफ चलते हैं और फिर बताते हैं हमको कि क्या होने वाला। ये हमारा टॉटनहम हॉटस्पर के साथ मैच है, और इस मैच की खास बात ये भी है कि हो सकता है ये हमारा प्रीमियर लीग का लास्ट मैच हो। आई होप सो कि लास्ट ही हो। वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें दिख गई, हमने बहुत सारी जगह कॉन्ट्रैक्ट के लिए भाई अप्लाई करा था, जैसे कि बताऊंगा मैं आपको आगे वीडियो में। तो बहुत सारी जगह हमने अप्लाई किया था, लेकिन कुछ जगह पे हमको मतलब प्रपोजल मिले और कुछ एक जगह पे नहीं मिल पाए। लेकिन हमने स्पेशली ट्राई किया था कि हम प्रीमियर लीग को यहाँ से छोड़ के किसी दूसरी लीग में जाना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल प्रीमियर लीग का एक मैच है, उसको हम खेल लेंगे। हम इसको ये टॉटनहम हॉटस्पर कैसे आती है स्पर्स के साथ, और इस मैच को अच्छे से खेलने की ट्राई करेंगे, और होप करते हैं कि इस मैच में कुछ स्पेशल कर जाए अगर हो सके तो। लेकिन ये डिपेंड करता है कि परफॉर्मेंस कैसी होती है आज के इस मैच पे। ओके, और हाँ, एक क्वेश्चन में आप लोगों से और पूछना था कि जो हमारा सबसे पहले वाला क्रिकेट 19 करियर मोड का एपिसोड था, तो उसका रिटायरमेंट का हम सोच रहे थे। अगर आप चाहते कि उसका रिटायरमेंट किया जाए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। अगर बहुत सारे कमेंट आएंगे तो ही हम उसकी रिटायरमेंट करेंगे, अदरवाइज न्यू वाला जो करियर मोड है उसको कंटिन्यू रखेंगे। सो ये भी वो मैच हो चुका है शुरू, और यहाँ पे बढ़िया अटैक है रिकेन का मूव, लेकिन जबरदस्त सेव, बहुत बढ़िया सेव यहाँ पे हमारे गोल कीपर के द्वारा, नहीं तो अदरवाइज ये गोल कन्फर्म था भाई। लेकिन बच गए हम यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं। लेकिन कॉर्नर मिल चुका है हॉटस्पर को यहाँ पे। ओके, मुझे लगता है थोड़ा क्लोज खेलने की ट्राई करेंगे ये लोग, लेकिन शायद अब प्लेयर इन कर दिया है बॉल और काफ़ी दूर, अगर किसी के सर के पास पहुंच जाए तो बेचारा हेडर कर सकता है। लेकिन बॉल हमारे पास है यहाँ पे, ओ खराब, फिर से बढ़िया पास और गुड शूट, लेकिन थोड़ा सा दूर रह गया, अदरवाइज गोल हो सकता था। ओके, फिर से स्पर्स का अटैक यहाँ से, लेकिन बहुत ही बढ़िया डिफेंस, फिर से बॉल स्पर्स के पास, ओ हो, ये नहीं चलेगा भाई साहब। तो पहले हाफ में तो कोई गोल शोल नहीं आया भाई साहब, बिल्कुल ड्रॉ हो गया मैच। लेकिन सेकंड हाफ की तरफ जाना बहुत ज़रूरी है, उस हाफ में सबसे ज़्यादा डिसाइडिंग टाइम होता है, क्या पता गोल हो पाए या ना हो पाए। लेकिन देखने सेकंड हाफ में क्या होता है। सी और बी को सेकंड हाफ की शुरुआत हो चुकी है, और अब हम यहाँ से ट्राई करने वाले हैं गोल गोल मिल जाए भाई। ओके, बढ़िया पास, क्या ये, ओ नहीं पहुँच पाए यार, कम ऑन, अच्छा पास था ये, ज्यादा चांस नहीं बन रहे इस मैच में। ओके, फिर से अटैक भाई, बॉल दे दे, अब दे दे यार, नहीं तो चेंज कर देंगे मेरा ये। बढ़िया बॉल है, मिल जा पीछे पीछे, अरे भाई चेंज का बड़ा इशू है भाई। अब देखो 75 मिनट, ओ देखो मैंने बोला ही था तुमको कि यही प्रॉब्लम रहती है, अगर 75 मिनट तक हमने खेल लिया लेकिन गोल स्कोर नहीं कर पाए। तो यहाँ पे हमारा चेंज, 8th नंबर की रैंकिंग हमारी टीम फिलहाल चल रही है, लेकिन अब हमने जो जो कॉन्ट्रैक्ट की बात करी थी उसको हम फुलफिल करने वाले हैं। तो अब देखते हैं, यहाँ से नेगोशिएशन डे आ चुका है हमारा, और हमने जहाँ अप्लाई किया था पहले उसको देख लिया जाए जरा क्या रिजल्ट आया उसका। ओके, तो रोमा में हमने पहले ट्राई करा था जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन रोमा के एजेंट से जो भी हमारे एजेंट के बीच में बातचीत हुई तो ये डील हो ना पाई, क्योंकि रोमा के पास ऑलरेडी मेरी रेटिंग से ज़्यादा अच्छे प्लेयर्स वहाँ पे हैं, तो हमको कोई लो टीम देखनी पड़ेगी जिसके पास हमारे से कम रेटिंग के प्लेयर्स हों, तो वहाँ पर जा सकते हैं। तो फिर भी मैं सीरिया में ही ट्राई करूँगा, फिर चाहे तो वो वहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेले या रोमा की टीम खेले, लेकिन देखना पड़ेगा कोई ऐसी टीम जिनके थोड़े से जो स्ट्राइकर हैं वो हमसे लो रैंकिंग में हों, तो मैं वहाँ पर कन्फर्म हो सकते हैं। ओके, तो ये सैम्पडोरा की जो टीम है इसमें मैं देखता हूँ एक बार, तो इनकी जो प्लेयर की रेटिंग है मेन स्ट्राइकर की वो मुझसे कम है, ये देखिए तो 72 वाला है, और हमारी फिलहाल रेटिंग आई थिंक 73 है 74 है। तो यहाँ एक ऑफर डाल के देखेंगे हम, अगर सीरिया में जाते हैं और ट्राई करेंगे कि लोअर क्लब से अगर हम ऊपर जाते हैं तो उसमें कुछ बढ़िया नहीं। तो यहाँ पे नेगोशिएशन डे चल ही रहा है, तो आई होप सो यहाँ की मैच आने के पहले हमको इसका रिजल्ट ही आ जाएगा क्या होने वाला है। सो हियर वी गो, और जैसा कि मैंने आपको कहा था 7th डे में आ चुका है इसका रिजल्ट, और अब देखना है क्या उन्होंने एक्सेप्ट किया, हमने कोई चैल, ओ एक मिनट एजेंट का, ओके तो ऑफर बन चुका है, तो अब देखना है हमको कि सैलरी कितनी है भाई, किस सैलरी पे हमको ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। लिस्ट ऑफ ऑफर्स, एक तो हमको जो दे रहे थे, अच्छा 885 का था, थोड़ा सा ज़्यादा भाई, 1074। ओके, तो जो हमको करंट क्लब में मिल रहा है और जो आपको अपग्रेड करके दे रहे हैं उससे तो बेहतर ही है। तो वैसे भी हमको प्रीमियर लीग छोड़ना है, तो मैं इस सैम्पडोरिया, जो भी है ये सैम्पडोरिया, इसको एक्सेप्ट कर लूँगा और इस लीग को छोड़ के दूसरे लीग में कन भाई साहब ट्रांसफ़र हो जाऊँगा। लेकिन अब देखना है कि इस लीग में आने के बाद, ओ भाई इनका तो पहले ही मैच है, और ये भी मुझे लग रहा है कहीं
चैंपियंस लीग का मैच है क्या ये? नहीं तो पहले तो हमारा भाई साहब सब स्वागत वागत हो जाएगा, पहले वो देख लेते हैं। बहुत दिनों के बाद ये सीन आया, इसके पहले जब हम बिकम ए लेजेंड मोड के एपिसोड करते थे तभी ये सब सीन आते थे, लेकिन अब काफ़ी दिनों के बाद ये मौका मिला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है भाई साहब हमारे लिए स्पेशल, और यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है हमको इस टीम के साथ, और ये टीम आई डोंट नो क्या कमाल धमाल करती है, लेकिन हम जरूर करने लगे कमालदार यहाँ पे। तो प्रेस के साथ कुछ सवाल आते और उसके बाद हमारी वहाँ पे जो है डील हो चुकी है। सोहेब गो चमकते हुए दांतों के साथ, ये कटे कटे बालों की खुशी, और ये हेलो आई एम अजय एंड आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट ज्वाइनिंग द क्लब, और मे द आई होप टू सी यू सून, कम ऑन यू सैंपदोरिया। ओके भाई, तो टीम में तो आ चुके हैं, लेकिन अब देखते हैं यहाँ से ये तो हो चुका है, लेकिन प्रेफर्ड नंबर की भी ट्राई करेंगे। बहुत सारे ना मुझे बोलते हैं कि भाई आप दूसरे नंबर से क्यों खेलते हो, भाई मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन वो नंबर तभी देते हैं जब आप उस टीम में पॉपुलर हो जाते हैं, और जब आपकी थोड़ी सी वैल्यू बढ़ जाती है तब आपको वो नंबर मिल सकता है, अदरवाइज वो नंबर नहीं मिलता है। तो पहला ही मैच हमारा इंटेलजोन के साथ है, और इसमें लुकाकू भी खेल रहे हैं भाई। लुकाकू तुमको पता कतई जहर प्लेयर है, लेकिन ये कुछ भी कर सकता है, लेकिन अब देखते हैं इस मैच के साथ में क्या होने वाला है। फिर थोड़ी किटशीट देख लूँ मैं इनकी, वो इनके पास अच्छी किटें हैं यार। ओके, हमारे पास दो ही हैं, बाकी टीमों के पास तीन तीन चार चार है। चलो कोई नहीं, एक ब्लू और एक ये है हमारे पास, तो हम चाहते हैं कि ये लोग ब्लैक वाली से खेलें तो बेहतर होगा। ओके, कोपा इटालिया कप का मैच है ये। ओके, कोपा इटालिया का कप का मैच है, और बीच से हमने ज्वाइन किया इनको। आई डोंट नो इनकी पिछले मैचेस में क्या क्या हुआ पड़ा है, वो देखना पड़ेगा, स्कोर कार्ड में समझ में आ जाएगा कि पिछले मैचेस में क्या हुआ है और ये टीम कैसी खेलती है। आई डोंट नो, अब फर्स्ट टाइम इनके साथ खेल रहे हैं, सो लेट्स प्ले और देखते हैं, होप करते हैं कि कुछ अच्छा हो। ओके, कोपा इटालिया कप। ओ भाई, हम तो पहले तीन से पीछे हैं भाई, पिछले मैच में तीन पड़े हमको, मतलब अगर हमको कुछ करना है। ओ कम ऑन, तो हमको चार गोल लगा, मतलब दो गोल तो लगाने ही पड़ेंगे क्योंकि तीन उन्होंने पिछले किए थे, एक हमने किया था। दो गोल की लीड उनके पास ऑलरेडी पहले से ही है। ओके, लुकाकू, भाई ये कहीं गलती तो नहीं कर ली हमने यहाँ आके इस क्लब में, ये टीम में तो कुछ ज्यादा ही कतई जहर दिख रही है मुझे, और ये टीम तो पहले से हारी बेचारी। भाई लुकाकू ने क्या शॉट लगाया, देखो क्या बढ़िया बॉल मिली, ड्रैग किया उसने डिफेंस को, वो पावरफुल शॉट और एक गोल यहाँ लुकाकू ने जड़ दिया है। ओके, गुड पास, कम ऑन, हमको चांस भी मिलेगा गोल करने की, नहीं यहाँ भी मेरा नंबर 10 है वैसे, लास्ट टीम में 20 था, लेकिन फिर भी 7 के आसपास ही है। अगर हम थोड़े से अच्छे पॉपुलर हो जाते, गोल वोल स्कोर कर लेते तो शायद हमको ये चांस दे प्रेफर्ड नंबर, क्योंकि पिछले वहाँ पे मिल चुका था हमको, क्योंकि जिस दिन हमने ट्रांसफर ली उसी दिन हमको मेल आया था कि आप प्रेफर्ड नंबर ले सकते, लेकिन हमने टीम ही छोड़ दी तो क्या ही करें। ओके 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 भाई, पास कर दे तू, यहाँ कुछ अभी स्ट्रैटेजी समझ नहीं आ रही टीम की। ओके, ओ भाई लुकाकू, ओ लुकाकू तो कुछ ज़्यादा ही ऑसम खेल रहा है भाई यहाँ। ओके, गुड बॉल, ये ले भाई, निकल ले। ओके, पीछे पास कर दे, बढ़िया बॉल, ये ले भाई, मुझे ही दे दे वापस, बहुत बढ़िया। अरे फाउल, फाउल है यार भाई, फिर से मार दिया, अब जाके दिया भाई कन्फर्म, इसने फाउल था यार, पहले फ्री किक बनती थी। ओके, ये बात, ओ भाई गोल तो गैर मेरा वाला नहीं है, बड़ा दुख हुआ मुझे इस बात का, मेरा वाला गोल होता, मेरा क्या सही ट्राई ली थी, देखो कम ऑन, इसको तो भाई एडवांटेज ही मिल गया इस गोल का, क्या ही कहूँ मैं भाई, इतनी सही रिवर्स किक थी हमारी साइकिल। ओके, ओ भाई इसे रोका या बार पे लगा, इस वाले बंदे को तो भाई लॉलीपॉप ही मिल गया, क्या बोलूँ अब, इतनी ज़बरदस्त ट्राई थी मेरा, पहला गोल इस क्लब में, क्या धांसू होता था लेकिन गड़बड़। ओके, फिर से बढ़िया पास भाई, इनके दो गोल से पीछे हैं, वैसे तो चांस बनता नहीं, और फिर से लुकाकू के पास बॉल है, और यहाँ से भाई भाई कोई शब्द नहीं है मेरे पास, ये क्या ही खेल रहा है बंदा,
भाई जहाँ जगह मिल रही है ना वहीं से शॉट लगा दे रहा हूँ। थोड़ा सा तुमने मिस करा कि इसने तुमको टाइट आया फिस करा। ये देखो इसने तो बॉल भी छोड़ दी थी। ये देखो बॉल मिली, थोड़ा सा साइड गया और ओ भाई कहीं ऐसा तो नहीं है, मैं बोल पूरा गलती तो नहीं कि मिस्टेक तो नहीं हो गई हमसे। यहाँ पे चेंजेस चेंजेस भी दे रहे भाई। ये टीम ने पहले एक तो हमसे हमला बोल के था, 5-2 का स्कोर हो गया और अब ये चांस बन जाएगा। ओ कम ऑन, अब तो कोई टाइम ही नहीं बचा मुझे लग रहा है। तो ये इटालिया वाला कप से तो पक्का बाहर है हम। ओके ओ भाई बॉल तो ले लेता, कम ऑन। ओ भाई पूरा टाइम पास कर रहे हैं अब ये लोग, 4 मिनट का टाइम लगता है वो हो चुका है यहाँ पे। कम ऑन संपोडोरिया बाहर हो गई भाई, हमारे आते ही मनुष्यत फैल गई क्या। कम ऑन ज्यादा चांसेस नहीं बने एक्चुअली। टीम एक तो पहले ही जो इनका पहला वाला मैच हुआ था उसमें इनकी टाई टाई फीस हो चुकी थी, लेकिन अब मुझे नहीं पता जैसे मैं वापस आया उसके बाद तो कुछ और ही गड़बड़ हो गई। रोमा भी बाहर हो चुकी है भाई, क्या बात है। ओ ये था कप का फिक्सचर, तो हमने भाई साहब यहाँ से चांस गवा दिया। अगर मैं पहले इस टीम में होता तो शायद कुछ और बात होती, लेकिन अब क्या ही कर सकते। तो ये था हमारा आज का एपिसोड, यहाँ पे हो गई ट्रांसफ़र। अब ट्रांसफ़र तो हो गई है, तो आपको ये कैसा लगा। अगर आप लोगों को लगता है कि बहुत बढ़िया, आपने इस क्लब के साथ जाना चाहिए, उस क्लब को यहाँ पे टॉप पे पहुँचाना चाहिए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो ये तो हमारा पहला मैच था जो कुछ अच्छा खास गया नहीं, लेकिन आने वाले मैच बहुत स्पेशल होने। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन सी यू, बाय बाय।